आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां राजधानी में एक टन गांजा जब्त किया गया है। गांजा जब्त की कीमत लगभग करोड़ों में बताई जा रही है। तस्करी कर रहे 6 बदमाश गिरफ्तार कर लिए गए हैं। कमल विहार गेट के पास पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उड़ीसा के मलकानगिरी से ट्रक में भरकर लाया जा रहा था गांजा। राजधानी में फिर से गांजे की बड़ी खेप को पकड़ लिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी से गांजे की बड़ी खेप को पकड़ा गया है। करोड़ों में इसकी कीमत बताई जा रही है। तो राजधानी में 1 टन गांजा जब्त हुआ है। तस्कर 6 बदमाश गिरफ्तार हो चुके हैं। जब्त गांजे की कीमत 1 करोड़ के लगभग बताई जा रही है। और आपको तस्वीरें भी अब हम दिखा रहे हैं कि ट्रक से कैसे माल को ले जाया जा रहा है। पूरा आकलन पहले किया जाएगा कि लगभग कितने का ये माल है। करोड़ों में आकलन किया जा रहा है, लेकिन इससे ज्यादा की भी ये कीमत हो सकती है। कि पुलिस थाने में कैसे इस माल को जब्ती करने के बाद में ले जाया गया आकलन के लिए, वो तस्वीरों में आप देखिए। ज्यादा जानकारी के साथ स्वराज चंदा हेमंत शर्मा फोन लाइन से जुड़ गए। हेमंत, लगभग कितने करोड़ का ये माल बताया जा रहा है और पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है, क्योंकि कुछ बदमाश गिरफ्तार भी हुए हैं। बुसरा, इन दिनों छत्तीसगढ़ में जो गांजा तस्कर हैं वो काफी सक्रिय हैं, क्योंकि कल ही महासमुंद में करोड़ों से भी ज्यादा जो गांजे की कीमत है, कि जो गांजा है वो वहां पर जब्त किया गया था। उसके बाद आज माना पुलिस ने मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर सुबह 7 बजे एक ट्रक को रुकवाकर उसकी तलाशी ली और उसमें 1 क्विंटल से अधिक जो गांजा है वो जब्त किया। इस पूरे मामले में 6 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है और जो प्रारंभिक पूछताछ आरोपियों से हुआ है उसके मुताबिक ये सभी मलकानगिरी से गांजा लेकर सिंगा अबलौदा बाजार क्षेत्र की ओर जा रहे थे और इनके पास से एक स्विफ्ट कार भी जब्त हुआ है। अभी इनसे लगातार पूछताछ चल रही है। हालांकि अभी इन्होंने बताया है कि वहाँ मलकानगिरी से पूरे जो गांजा का खेप है वो वहाँ पर लेकर आ रहे थे। पूरी फील्डिंग करके पुलिस ने इस पूरे कार्रवाई को की है, क्योंकि कल रात से ही इस पूरे मामले को लेकर लगातार पुलिस को सूचना मिल रही थी कि उड़ीसा से जो एक ट्रक है गांजा लेकर रायपुर की ओर आ रही है और पूरी घेराबंदी कर माना मोड़ के पास पुलिस ने आज सुबह 7 बजे ट्रक को पकड़ा है और इसके साथ 6 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। सभी से अभी लगातार पूछताछ चल रही है, लेकिन जिस तरीके से अभी जो सामने निकल कर आई है चीज, उसके मुताबिक जो गांजे की कीमत है वो 1 करोड़ रुपए से अधिक की बताई जा रही है। और राजधानी में काफी दिन बाद इस तरीके की कार्रवाई हुई है, क्योंकि पहले भी गांजा लगातार जब्त हो रहा था, लेकिन जो कीमत है गांजे की और जो गांजे का वजन है वो काफी कम था। लेकिन एक बड़ी कार्रवाई अब आज माना पुलिस ने गांजे की के ऊपर की है। चलिए, बहुत शुक्रिया तुम्हारी जानकारी के लिए हेमंत। और अब अगली बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां पांडुना नगर पालिका अध्यक्ष बीजेपी